देखिए समीर वानखेड़े साहब एक जिम्मेदार अफसर हैं, एक बड़ी संस्था के जिम्मेदार अफसर हैं और मुझे दुख होता है कि वो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि मुझे पूरी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट पर विश्वास नहीं है या मुझे महाराष्ट्र की पुलिस सरकार पर विश्वास नहीं है। ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। एक साधारण व्यक्ति आम नागरिक अगर ऐसी बात करता तो माना जाता है, लेकिन इस तरह के अफसर को इस तरह की बात करना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मगर उन्होंने अपने अधिकार के तहत एक हिफाजत के तौर पर, अपने प्रोटेक्शन के तौर पर ये पिटीशन लिंक की है जो अब डिवीजन बेंच में उसमें सरकार को नहीं सुना गया, समय कहाँ मिला थी। तो इसीलिए न्यायालय को उनको सुनने के लिए अगर समय दरकार है तो उस इंटरव्यूनिंग टाइम के लिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है सरकार ने किया। और ये कोई अनयूजुअल ऑर्डर नहीं, हर पिटीशन में जहाँ कोई व्यक्ति कोई नागरिक इस तरह की अर्जी करता है कि मुझे खतरा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो जाएगी तो अदालत टेम्पररी तौर पर उसको इंटरिम ऑर्डर दे देता है ताकि सुनवाई तक आप पर कोई कार्रवाई ना हो, सुनवाई के बाद फिर मेरिट्स पे डिसीजन। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से पूरा मामला अब एनसीबी की जांच पर ही सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, वो कितने कमजोर आप मानते हैं? देखिए ऐसा है कि बदकिस्मती से वानखेड़े साहब सेंटर लो पूरी महाराष्ट्र सरकार को एक राजनीतिक रूप से लपेटने की कोशिश की। सर सेंटर सारा महाराष्ट्र सरकार इसमें मेरे दुश्मन है या पुलिस कमिश्नर मेरे दुश्मन है, ये बहुत ही अयोग्य बात है। और विशेष तौर पर एक लुक सेंटर पर बैठे ऐसी बात नहीं करते, कोई व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो मंत्री उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं अगर तो वो एक नागरिक है और एक नागरिक की हैसियत से उन्हें पूरा अधिकार है कि वो सच्ची झूठी बातें जब नेता के सामने रखें वो रख रहे हैं। उनके सामने वानखेड़े साहब हैं, वानखेड़े साहब क्या सच है क्या झूठ है वो अदालत के सामने बोलने का उनको मौका मिलेगा। मगर पूरी सरकार को अगाड़ी सरकार को दोषी ठहरा देना या इसको भारतीय जनता पार्टी वर्सेस महान भारतीय जनता पार्टी बना लेना या इसको पुलिस कमिश्नर और पुलिस पर अविश्वास दर्शाना, मुझे लगता है ये परेशान। अगर 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 अभी अभी वो लोग मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं सर सेंटर लो सर सेंटर लो मुंबई पुलिस के पास ही समीर वानखेड़े ने नहीं ना देखना पूरा जूम उधर हो रही है। इस बात को आप समीर वानखेड़े से पूछें, जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं या उनसे पूछें कि आप ही ने तो वहाँ शिकायत की थी और अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे उन पर विश्वास नहीं, जब आप पर आ पड़ी तो ये आपका ये अविश्वास दर्शाना बिल्कुल ही अयोग्य। समीर वानखेड़े कुठं तरी घाबरल्यामुळे अशा प्रकारे समीर वानखेडे घाबरले त्यांना असं वाटतंय की कदाचित सत्ता अधिकारांचा दुरुपयोग करणार, तिकडे लूट गेले आरोप समोर आलेले आहेत। त्यांना जरा लक्ष घेतलं पाहिजे की एका मंत्री किंवा एक नागरिक ने तुमच्या विरोधात काय सांगितलं आहे ते खोटं जर असेल तर तुम्ही कशाला घाबरता? तुम्हाला मग त्यासाठी एवढी धास्ती घ्यायची गरज नाही आहे। म्हणजे कोटा धावला त्याचा अर्थ असा आहे की कदाचित तुमचे तुम्हाला वाटतं आहे की त्याच्यामध्ये सत्य असेल। जिस तरीके से